आज मैं खेल रहा हूँ ग्रैनी हॉरर एस्केप गेम, बट इसमें एक ट्विस्ट है। मेरे को इस ही गेम प्ले के अंदर हर एक तरीके से मेरे को हाउस को एस्केप करना है, जैसे कि कार, डोर और टनल को। और आप बोलो कि ये कैसे एस्केप करेगा, मैं कार और डोर के सारे सामान उधर रख दूंगा बट एस्केप नहीं करूंगा, मैं एट द एंड टनल से एस्केप करने वाला हूँ। उसने मेरे से भी पहले काफ़ी ज़्यादा शरीफ शरीफ लोगों को इधर लाया और इधर उसने ट्रैप करके उसने इसको मार दिया इधर, और मेरे को कैसे भी करके एस्केप करना, अगर मैं एस्केप नहीं कर पाया तो वो मेरे को मार देगी। गाइस अगर मैं एस्केप कर लेता हूँ इस वीडियो में तो आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा, और ग्रैनी छोटी सी छोटी आवाज़ में भी मतलब नॉइस सुनकर बागी चली आती है, तो मेरे को अभी नॉइस भी नहीं करनी। जैसे मैं अभी नॉइस कर चुका हूँ, अभी मैं बेड के नीचे हाइड हो चुका हूँ, अभी देखना अभी ग्रैनी बागी बागी आएगी इधर। और हाँ, अगर आप अपने आप को प्रो मानते हो ना तो आपको ग्रैनी चैप्टर 1 ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये फर्स्ट ट्राई में आपसे शायद ना हो। और इसी के साथ भाई लोग, दादी आ चुकी है और दादी वापिस चले जाए तो कोई नहीं मिलेगा देखो। तो ठीक है, दादी अभी ढूंढ रही है मेरे को बट मैं दिख नहीं रहा उसको। दादी तो बूढ़ी हो गई है, तेरी आंखें ना अभी मतलब चौंधिया आ गई हैं, तो इधर से निकल जा ज़रा। ठीक है, दादी निकल चुकी है, अब हमें इधर से बाहर निकलना चाहिए। थोड़ा नीचे चलते हैं क्योंकि हर बार हम उधर ही चलते हैं। ओके, ये ट्रैप कहाँ से आ गया दादी, तू ट्रैप मत लगाएगा रास्ते में। ये इधर दादी का सीक्रेट घर है, बैकयार्ड कहते हैं इसको जो हम। तो ठीक है, इधर अच्छा शॉटगन का पार्ट मिल गया मेरे को, तो अभी एक निंजा टेक्निक करते हैं, इसको आगे जा के फेंक देते हैं। इधर कुछ है क्या? ओके, स्पेशल की मिल चुकी है हमें, ओके आगे काम आएगी हमारे। इधर नीचे चलते हैं भाई, बैठ जा के चल। ओके, इसको तो फेंक देते हैं, दोबारा से बाहर चलते हैं भाई। अरे दादी के घर को ना मतलब तहस नहस कर देना सारा का सारा। स्पेशल की आ गया मेरे पास, चलते हैं अभी आगे। पता नहीं दादी ने अपने घर पर क्या क्या राज छुपा के रखे हुए हैं, और दादी यार मतलब क्या गंद मचा के रखा हुआ, तू थोड़ा मतलब मेंटेन करके रखना। इसके बैकयार्ड से निकलते हैं। अबे क्या वेयर आर यू बोल रही है, इधर ही हूँ मैं, ढूंढ सकती है और ढूंढ ले। तो ठीक है, अबे नहीं नहीं दादी आ रही है, दादी आ रही है, छुप जाते नीचे, इधर तो नहीं देख पाएगी दादी मेरे को। ओके दादी आ गई है भाई, बाघो भाई, भाई यहाँ पकड़ लिया। शिट, हमारा पहला दिन बर्बाद कर दिया दादी ने इसी के साथ दूसरे दिन की शुरुआत। और कसम से दादी अभी तक कोई छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं, तूने मेरे जैसे शरीफ लड़के को इतना परेशान किया ना। रुक जा, अभी नीचे डालता हूँ मैं दोबारा से। इधर है क्या दादी? ओ दादी आ गई बाहर, भाई 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 भागो 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 भागो, दादी आ गई, दादी आ गई। दादी मेरा उधर की पड़ी थी ना स्पेशल की, उठाते हैं। नहीं स्पेशल की नहीं, सबसे पहले गन का पार्ट लेके चलता हूँ मैं उधर। तो भाई हम आ चुके हैं इधर, और इधर मैंने शायद से कहीं पर गन का पार्ट फेंका था, और ये रहा मेरा गन का पार्ट। अभी मैं गन के पार्ट को लेके दादी की मैं खटिया खड़ी कर दूंगा, अगर एक बार गन आ गई ना मेरे हाथ में, छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं। और गन का पार्ट कहाँ पर लगाते हैं भाई? इधर ही लगाते हैं ना कहीं पे। हाँ ये रहा, ठीक है गन लग चुकी है। और इधर हमें क्या क्या चाहिए? इधर कुछ है क्या? नहीं कुछ नहीं है, खाली पड़ा है इधर तो। चलो कोई नहीं, दादी तेरी बस की नहीं, अभी मेरे को ढूंढना। बैटरी उठा लेते हैं क्योंकि कार बैटरी लगानी है मेन। तो अभी दादी तेरी बस की नहीं है मेरे को ढूंढना कसम से। ओहो मैंने गलती से आवाज़ कर दी, दादी आने वाली होगी। इधर कार बैटरी चाहिए और एक इंजन पार्ट चाहिए। अभी इंजन पार्ट कहाँ पे मिलेगा भाई? अभी ऊपर जाना पड़ेगा इंजन पार्ट के लिए। दादी है क्या? दादी थप्पड़ ना कर दियो कसम से, डर जाऊँगा। अरे भाई दादी आ गई, दादी आ गई, दादी आ गई, दादी आ रही है किधर से? ओह दादी तेरी बस की नहीं है, मेरे को पकड़ना ठीक है। दादी मैं तो चला, तू तो ढूंढते रही हो मेरे को। दादी जब तक उधर लगी हुई है तब तक हम इधर से निकलते हैं और दूसरी साइड जाकर अपना काम करते हैं, ढूंढते हैं क्या कुछ मिलेगा। काश इंजन पार्ट दिख जाए होता, या कार की या वेपन की दिख जाए ना, मजाक नहीं। दादी गुत्थी में पेल के रख दूंगा। इधर तो रिमोट कंट्रोल मिल गया भाई लोग, चलो रिमोट कंट्रोल को लेके इधर नीचे फेंक देते हैं, मतलब नीचे रख देते हैं, इससे आसानी हो जाएगी आगे काम करने में। ठीक है, इधर दादी थी क्या इधर? अरे भाई दादी डरा देती है, तू कभी भी आ जाती है, थप्पा कर देती है दादी। चलो इधर कुछ है क्या? इसमें कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है। दादी के सीक्रेट रूम में देखते हैं इधर, इधर है क्या कुछ? इधर विंचिंग हैंडल पड़ा। ओके, इधर हमें कुएं में अभी हैंडल मिल गया भाई, कुएं का हैंडल। इधर दादी का टैडी एज यूजुअल। दादी तू मजाक नहीं, क्या गंद मचा कर रखा तूने, अपनी टैडी को भी थोड़ा धो लिया कर थोड़ा सा, वो भी रो रहा है बेचारा। चलो कोई नहीं, इधर से निकलते वापस। दादी ना कभी भी दप्पा कर देती है भाई लोग, इधर से ना संभल के जाना भाई। क्या इधर कुछ है? अभी ऊपर चलते दादी के, ऊपर क्या है? दादी ये घर को मतलब तोड़ फोड़ कर देंगे भाई। दादी की शर्ट तोड़ दी भाई, मज़ा आ गया। चलो इसको साइड करते हैं, विंचिंग हैंडल को इधर रखते हैं अपना। दादी आइए ज़रा इधर,
आवाज़ कर दी मैंने अभी, अभी दादी को आना पड़ेगा, दादी को जेल की रोटी खाने पड़ेगी। दादी जल्दी आ जा, ज़्यादा टाइम नहीं है इधर। हाँ ठीक है, इधर लगा दिया। ये हम लोग निकल गए, तो अभी हम लोग आ गए पिछवाड़े में, हम लोग घर के पिछवाड़े में, यार गंदा मत सोचे करो। तो ठीक है, अभी कुएं में खींचते हैं सैंडल से, तो इधर कुछ आएगा क्या? आकाश हैमर आ जाए क्या, आएगा जो सस्पेंस। ओके इंजन पार्ट आ चुका है गाइस, इंजन पार्ट। चलो अब चलते हैं इंजन को लगाने के लिए, उससे पहले ज़रा आवाज़ करते हैं क्योंकि दादी को तो बुलाना ज़रूरी है। यू नो जो प्रो गेमर्स होते हैं वो ऐसे ही करते हैं। तो ठीक है, दादी इधर आएगी और मैं उधर अपना काम कर लूँगा, निपटा लूँगा। तो ठीक है दादी, ठीक है इधर से हम निकलते हैं अभी। दादी क्या है, तू इधर है? नहीं है दादी। हा 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 हा, दादी को चकमा दे दिया, मज़ा आ गया भाई। लोग इधर अपना इंजन पार्ट लगाते हैं अभी भाई। रेंच चाहिए इसको कसने के लिए, रेंच कहाँ से मिलेगा भाई लोग। ठीक है ये भी काम हो गया, और इधर दादी के घर में सब कुछ तोड़ फोड़ कर देंगे भाई। आ जा दादी इधर, आ जा, तेरे बस की नहीं मेरे को पकड़ना। 7 जन्म क्या, तू 8 जन्म लगा ले तब भी नहीं पकड़ पाएगी। रिमोट कंट्रोल दो मुझे, गिव मी दैट रिमोट कंट्रोल। रेंच किधर होगा? ये रहा रेंच, सुपर उत्तम इधर है। तो ठीक है, इसको लेके अभी अपने इंजन पार्ट को कस लेते हैं। तो आ चुके अपने कार के पास, इसको कस लेते हैं अभी। तो पहला नट, दूसरा नट, सारे नट हो गए। इसी के साथ मैंने अपने गाड़ी को मतलब इंजन पार्ट को लगा दिया इधर। और इधर कुछ है क्या? ये क्या भाई, व्हील? ये किस काम आएगा भाई, पता नहीं है। इधर कुछ है? नहीं है। तो ठीक है ऊपर चलते हैं। दादी थप्पा ना कर दियो, बुढ़ापे में बना तेरी कमर तोड़ने पड़ जाएगी। ठीक है रिमोट कंट्रोल यूज़ करते हैं, इसको इधर रहने देते हैं। इधर भी कुछ नहीं है, इधर ये रही हमारा रिमोट कंट्रोल, यूज़ कर लिया। इधर पेपर स्प्रे है भाई, ये किस काम की हो? ठीक है पीस ऑफ पेंटिंग उठा लेते हैं, पेपर स्प्रे तो ऐसे भी बेकार हम है। चलो दादी की ड्राइंग कंप्लीट करते हैं भाई। पेपर स्प्रे आ चुकी है हाथ में, और इधर ये क्या, बुक? बुक का क्या काम हो सकता है भाई? अच्छा इसको दादी की वो चुड़ैल आज़ाद करने के लिए। ठीक है ओके, स्पार्क प्लग मिल गया इधर, फिर कभी काम आएगा स्पार्क प्लग गाड़ी के लिए। पर हम गाड़ी से एस्केप नहीं करेंगे, अपन लोग टनल से एस्केप करेंगे, स्टैंडर्ड होना चाहिए भाई। तो ठीक है बुक ले लिया। ऊपर जाने से पहले दादी के घर पे तोड़ फोड़ करके जाएंगे भाई, ऐसे थोड़ी जाएंगे। दादी को इधर बिजी कर देंगे बुढ़ापे में काम करने के लिए। तो ठीक है अपन लोग ऊपर आ चुके हैं, और इधर दादी का सीक्रेट रूम किधर है? दादी की दादी का मतलब पर दादी, ये रही हमारी पर दादी। तो इधर अपनी हमें बुक प्लेस करनी है, वो तो पर दादी मर चुकी है, अभी क्या करना। इधर मेरे को स्पार्क प्लग मिल चुका है, अब मैं इसको अपनी गाड़ी में लगा सकता हूँ फाइनली। और फाइनली मैंने इसको अपनी गाड़ी में लगा दिया, अब मेरे को बस पैडलॉक की चाहिए और एक। ओह नो, मैंने आवाज़ कर दी, तो ग्रैनी आने वाली है, जल्दी शिफ्ट आता हूँ। क्या ग्रैनी आ रही है? बुढ़िया तो मत आना ज़रा, मैं मर जाऊँगा, प्लीज़ 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 इधर मत आ। चलो ठीक है बुढ़िया तो नहीं आई है, इसकी बस की भी नहीं है मेरे को पकड़ना। तो ठीक है मेरे को लास्ट फ्रेम मिल चुका है बुढ़िया का, मतलब फ़ोटो, इससे मैं इसकी फ़ोटो पूरी ड्रॉ कर सकता हूँ। तो बुढ़िया तो ऊपर मुझे मार, मैं तो तेरी ड्राइंग कम्प्लीट कर रहा हूँ। तो ठीक है मेरे को एक बोनस डे मिल चुका है गाइस बुढ़िया के घर में, तो ये भी सही है। ग्रैनी की दादी ने हमें दे दिया है एक स्पाइडर की, शायद दे दी होगी। हाँ ये रही स्पाइडर की, जो जिससे कि मैंने दादी को बुलाया था, उसने ड्रॉप कर दी है ग्रैनी की दादी ने, जिससे कि हमारी बड़ी वाली मकड़ी आ सकती है, उसके घर में जाने का रास्ता है ये स्पाइडर की। तो ठीक है ये मिल चुकी है, इसको पहले इधर ड्रॉप कर देते हैं नीचे जाकर, जिससे कि मेरे को आसानी हो जाएगी। इधर ही इधर स्टूडियो में मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है देन अभी मैं चलता हूँ अपने किचन की तरफ चलता हूँ। और इधर क्या है भाई, दादी है क्या इधर? भाई थप्पा मत कर दियो दादी, कसम से पहल दूंगा तेरे को। इधर कुछ नहीं है अभी, इधर शायद से फ्रूट होना चाहिए। हाँ इधर फ्रूट मिल गया मेरे को, नंबर 2 में फ्रूट मिल चुका है। ये है तरबूज, अभी तरबूज को लेके इधर रख देते हैं और इसको तोड़ देते हैं, काट देते हैं बीच में से। इसमें से की निकली है जो कि मास्टर की है, अभी इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ अपने डोर एस्केप करने के लिए। ठीक है मास्टर की से मैं डोर एस्केप कर सकता हूँ, वो भी यूज़ कर लेंगे। पहले अपनी मास्टर की को एक जगह रख देते हैं। तो स्पाइडर की से मैंने अपना ये डोर खोल लिया था जो कि सोफ़ा के पास है। ओके इधर नीचे आते हैं। इधर भाई बड़ा ख़तरनाक लग रहा है भाई, ICU कर रही है ये जो बुढ़िया, इसको पहल दूंगा, मजाक नहीं। ओ ये क्या हो गया भाई, नीचे कहाँ पे गिर गया मैं? ओके इधर मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ सही में गाइस। इधर आ गया है क्या, शायद से इधर ही वो बड़ी सी मकड़ी रहती है जो बड़ी डरावनी दिखती है। ओके इधर मेरे को ये मिल चुका है। ओके गैसोलीन भी आ चुका है मेरे पास, और इधर ग्रैनी मेरे सामने खड़ी है गाइस, मैं क्या करूँ? ग्रैनी इधर से निकल जा बना, कसम से आज तेरे लिए बहुत बुरा दिन होगा बना। ग्रैनी आ तो चुकी है इधर। ग्रैनी तेरी बस की नहीं है मेरे को पकड़ना, कसम से तू मेरे को पकड़ ना पाएगी कभी ज़िंदगी में। हाँ डंडा अपना घुमाते रहियो बस,
हाँ चल ठीक है, ट्रैप लगा लिया। क्या उखाड़ लिया ट्रैप लगा के तूने मेरा? कुछ नहीं उखाड़ पाएगी। देखा स्मार्ट वर्क भाई। रानी कोई बच्ची है ठीक है। जा भी चले जाए इधर से, कोई कुछ नहीं मिलेगा तेरे को इधर। चल चल चलो ठीक है, ग्रैनी तो चले गई भाई लोग, अभी अपन लोग भी चलते हैं इधर से। उसका लॉक भी चला गया भाई, सही है। अभी इधर से मैं जो मैंने शर्त तोड़ी हुई है ग्रैनी की, इधर से मैं अपना गैसोलीन फेंक देता हूँ जिससे कि मेरे को आसानी हो जाएगी। ओके मुझे गन का एक और पार्ट मिल चुका है, तो ऑलमोस्ट मेरी गन कंप्लीट होने वाली है। तो इधर ग्रैनी थप्पा ना कर दे, बस ग्रैनी नहीं है, सही है, सेफ है हम लोग। तो इधर वैसे तो ग्रैनी को अभी आना भी नहीं चाहिए क्योंकि उसका बुरा दिन चलने वाला है, बुरा टाइम वक्त शुरुआत होने वाली है उसकी वक्त की। तो इधर गन पूरी मेरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, तो देख सकते हो अभी तो ग्रैनी और मकड़ी की अभी खैर नहीं। तो अभी मैं ग्रैनी के सीक्रेट बेस में जा रहा हूँ जहाँ पे कौवा सेंटर है। कौवा सेंटर के नीचे आ गए हम लोग, तो इस सीक्रेट दरवाजे को खोलने का टाइम आ गया। एक गन से खुलने वाला है, इस लाल ढक्कन को गोली मारनी है। ये बच्चा तो ठीक है, ये लाल ढक्कन फट गया, अभी इधर हमारा लॉक खुल गया होगा। हाँ तो इधर से मेरे को ट्रैप भी मिल चुका है, ये ग्रैनी को मारने के लिए ट्रैप है, फ्रीजिंग ट्रैप। अगर इसके ऊपर से ग्रैनी चलेगी तो वो मर जाएगी, मतलब फ्रीज हो जाएगी। और इधर मेरे को मकड़ी के लिए वो भी मिल चुका है खाना, उसको मैं उठा भी सकता हूँ, डीएक्टिवेट भी कर सकता हूँ। अभी मैं ग्रैनी के पालतू कुत्ते के लिए, मतलब कि पालतू मकड़ी के लिए इधर उसके लिए खाना लेके आ गया हूँ, जो कि रॉटन फ्लैश है। उसको इधर रख देते हैं भाई, प्लेस हो जा, क्यों नहीं हो रहा। ठीक है इधर प्लेस हो गया, और ये मकड़ी आ चुकी है इधर। अभी हम इधर से अपना सामान ले लेते हैं, उसके आगे उधर जो है वो इधर अपने बिजी है खाने में। ओके बर्ड सीड मिल चुका है हमें इधर से, अभी निकलते हैं इधर से जल्दी जल्दी। इधर और भी बुलेट रखी है भाई साहब, मेरे को पता नहीं था और भी बुलेट रखी है, तो ग्रैनी को मारने में और मजा आएगा। ओके ओ ग्रैनी आ गई भाई, मेरे ट्रैप में फंस गई, फ्रीजिंग ट्रैप में। अरे भाई ग्रैनी के टुकड़े टुकड़े हो गए भाई, मतलब इसका मतलब ग्रैनी सही में भूत है क्या? ओके भाई अब इसको उठा लेते हैं यार, तो आगे चलते हैं। अरे यार ये क्या हो गया, शिट मैं ऊपर से चिकट गया, सुसाइड कर लिया मैंने। चलो कोई नहीं, फिर भी मैं अभी दूसरी बार मर रहा हूँ ये, तो अभी शायद मेरा दूसरा दिन नहीं तीसरा दिन है। तो मेरे को बोनस डे क्या था वो, तो कोई नहीं, तीसरे दिन की शुरुआत हो चुकी है ग्रैनी के घर में। ये मेरी बेवकूफ़ी की वजह से होता है, मैं गधेड़ा हूँ यार। तो अभी अपने बर्ड को ब्रीड कराने के लिए लेके आ चुके हैं इधर, मतलब कि सीड डालने के लिए। इधर सीड डालते हैं अपने कौवे के लिए, और हमारा कौवा चला गया उधर गाँव को करने, और हमें हमारी रस्टेड पैडलॉक की मिल चुकी है। तो मजाक नहीं, कसम से अगर मेरे को अभी ना ग्रैनी मिल गई ना, तो उसको मैं गोली दर्द दूंगा। अभी बस ग्रैनी को ढूंढने की जरूरत है, अभी ग्रैनी अगर मेरे सामने आ गई ना, मजाक नहीं, उसको पेल दूंगा इधर ही। ग्रैनी कभी दिख जा बस, वेयर आर यू ग्रैनी, इधर है ग्रैनी। मर गई दादी तो मर गई भाई, काफ़ी देर से इस बुढ़िया ने मेरे को अपने घर के अंदर ट्रैप करके रखा हुआ। अभी मैं मजाक नहीं, इसको ट्रैप को एस्केप करने वाला हूँ कैसे भी करके। और इधर मैंने शायद से लगा के रखा हुआ मैंने फ्रीजिंग ट्रैप, तो इधर से चलते हैं साइड में, एक एमो ले लेते हैं, क्या पता दादी आ जाए। कभी ठोक दिया फिर ठोक ठोक दिया तो फिर क्या करना भाई, आगे दिन बहुत कम पड़े हैं। अभी वक्त आ चुका है हमें ग्रैनी की बदसूरत मकड़ी के पास जाने के लिए, तो अभी चलते हैं उसके पास। ये उसका आ चुका है सुरंग का रास्ता, और मजाक नहीं, वो कहीं भी मतलब अटैक कर सकती है, उसको कुछ पता नहीं है, कभी आगे से आ जाए पीछे से आ जाए। तो अभी मैं इसको खोलता हूँ, क्या पता इसको कुछ हो। ओके तो मेरे को इसमें प्ले हाउस की मिल चुकी है, और इधर क्या है भाई, इसका एक स्क्रू खोला, दूसरा स्क्रू खोला, खुल गया भाई। हाँ ठीक है तो वो भी खुल गया, अभी इसमें क्या है बस देखना है। ओ यार कॉकव्हील, ठीक है सही है, कॉकव्हील भी मिल चुका है हमें। तो अभी चलते हैं बाहर इधर से, क्या वो इधर है अभी भी देख लेते हैं भाई, कोई पता नहीं। उसका थप्पा करते हैं, वो भी ग्रैनी से भी मतलब एक नंबर ऊपर है, वो एक क्या दो तीन नंबर ऊपर है वो तो। अरे भाई वो मॉन्स्टर बाहर ही घूम रहा है, कसम से इतना डर लग रहा है ना, क्या बोलूँ मैं। ओके वो कभी भी आ सकता है भाई, इतनी भयानक भयानक आवाज़ें आ रही है ना इधर से, मतलब क्या बोलूँ। मतलब आप अगर अपने हेडफोन पहने होगा आपको पता चलेगा, बाहर चलते हैं देख करते। ओ शिट बारी बारी, चौथा दिन की शुरुआत हो चुकी है, और हमें अभी कैसे भी करके एस्केप करना है। इधर से मेरे को रस्टेड पैडलॉक की मिल चुकी है, मेरे को इसको, अरे यार ग्रैनी यार ग्रैनी की मकड़ी की जिक्र से निकल रहा, प्लीज़ कुछ नहीं इधर जा जा। तो ठीक है ये ग्रैनी से समझदार है, तो ठीक है इधर से अभी हम लोग निकलते हैं। और ये आ चुका है हमारा केव जहाँ से हमने एग्जिट लेना है, इधर लॉक लगा है, और भाई क्या देख रही है, मेरे को लॉक खोलने दें। तो ठीक है इधर मेरे को लगाना है वो लॉक, तो ठीक है भाई ये काम भी हो गया अपना। अब मेरे को इधर से कॉक बिल लेके जाना है, उधर लगाना है, प्ले हाउस की है मेरे पास अभी।
अभी देखो बुढ़िया को कैसा मजा चिखाता हूँ। ओके पहले तो एक कॉकविल लगा दिया, एक कॉकविल मिसिंग है, उसके लिए मेरे को इधर पहले बुढ़िया को बुलाना पड़ेगा। जो बुढ़िया को बुला दिया तो बुढ़िया आ रही है क्या? ओके बुढ़िया आ गई है, अभी इधर से जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा। आवाज़ तो आई है, तो ठीक है बुढ़िया आ गया, इधर निकलते हैं अभी जल्दी जल्दी। तो ठीक है इधर से निकल गया, अभी इधर एक और कॉकविल मिल चुका है, तो बुढ़िया भी उधर ही होगी, उसके लिए एक ट्रैप करते हैं। पहले अपना इधर एक कॉकविल फेंकते हैं और इधर फ्रीजिंग ट्रैप को सेट कर देते हैं। तो ठीक है फ्रीजिंग ट्रैप सेट हो चुका है, बुढ़िया अब जल्दी आ जा बस एक बार, तेरा इंतजार है। हाँ जल्दी आ जा, आ जा आ जा आ जा। ये बुढ़िया तेरे टुकड़े टुकड़े हो गए भाई साहब। कॉकविल ले लिया मैंने, अभी बुढ़िया तो भाई मतलब एक मिनट के लिए सो गई है। तो ठीक है भाई लोग, अभी अपन लोग चलते हैं इधर और अपना इधर से प्ले हाउस से अपना सामान निकाल लेते हैं। ठीक है तो इधर लास्ट कॉकविल भी इधर लास्ट लग चुका है, तो इधर ये मेरा खुल चुका है, पैडलॉक मिल चुकी है मेरे को। वैसे तुम लोग देख सकते हो मैंने डोर का कोड प्लस पैडलॉक खोल चुका हूँ, मास्टर की मेरे पास ऑलरेडी है जो कि मेरे वाटरमेलन से निकली थी, इसको सेट कर देते हैं। बुढ़िया को मारने के लिए भाई मज़ा आ जाएगा। मेरे पास पैडलॉक की आ चुकी है, अब मैं इससे शटर खोल सकता हूँ जिससे कि मैं कार एस्केप कर सकता हूँ बहुत ईजिली। पर मैं कार एस्केप नहीं करने वाला, मैं टनल एस्केप करने वाला हूँ। तो देखते हैं भाई कैसा जाता अपना गेम, ऑलमोस्ट हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो भाई जो जो नया है चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर दो चैनल को और वीडियो को लाइक कर दो अगर पसंद आई होगी। तो ग्रैनी फिर से मर चुकी है भाई, सही है ये। पहले कटर प्लायर से हमें इसको कट करना पड़ेगा, मेरे से टाइम नहीं आ गया, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है तो मैं नहीं कट करने वाला इसको। तो मेरे को इस मोमेंट की कब से देर थी भाई, यार मज़ा आ गया ये बाहर पेड़ देख के, यार बुढ़िया का घर देख के पक गया था। ओके तो अभी बुढ़िया का रिएक्शन देखने का टाइम है और बुढ़िया का मुंह तो खुला का खुला रह गया, वो मकड़ी को देख रही है भाई, इधर उधर देख रही है, ये क्या हो कर दिया लोंडे ने, कर क्या दिया ये। तो ठीक है भाई लोंडे ने तेरा घर एस्केप कर दिया और क्या कर दिया, और हाँ तुम मुंह खुलने वाली भाई, ब्रश कर दिया कर, काला काला अंदर सब कुछ हो गया, सड़ भी गया दांत पे। जिन जिन भाइयों ने एंड तक वीडियो देखा उनको दिल से शुक्रिया, और अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो और एक लाइक कर दो जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले। फिर मिलेंगे इन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।